बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद इस केस में रोज कुछ न कुछ नए खुलासे होते जा रहे हैं अब इस खुलासे में एक नया नाम जुड़ चुका है और वो नाम है करण जौहर जुलाई 2019 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था ये वीडियो था करण जौहर की एक पार्टी का और ये वीडियो भी खुद करण जौहर ही बना रहे थे वीडियो देखकर पता चलता है कि इस पार्टी में अर्जुन कपूर दीपिका पादुकोण शाहिद कपूर मलाइका अरोड़ा आयान मुखर्जी वरुण धवन रणवीर कपूर और विक्की कौशल जैसी बड़ी हस्तियां शामिल थी उस वक्त ये वीडियो काफी चर्चा में आई थी क्योंकि वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सारे सेलिब्रिटीज ड्रग्स पार्टी कर रहे हैं सब नशे में दिखाई पड़ रहे थे इस वीडियो के वायरल होने के बाद काफी विवाद हुआ लेकिन करण जौहर का कहना था कि अगर ये ड्रग्स पार्टी होती तो इसे वो खुद क्यों बनाते इनके अलावा इस वीडियो की सफाई देते हुए विक्की कौशल ने कहा था कि जब करण जौहर ने हमें पार्टी करने के लिए बुलाया था उससे पहले 10 दिन तक मैं डेंगू से ग्रसित था घर से बाहर भी नहीं निकला था और मुझे नहीं पता कि इस तरह से नाक टच करने का कुछ और भी मतलब निकाला जा सकता है इसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में जा गिरा था अब अभी जब बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर संसद तक आवाज उठाई जा रही है तो ऐसे में उस वीडियो पर एक बार फिर विवाद गरमा गया है और उस पर दोबारा से सवाल उठने शुरू हो गए हैं अब शिरोमणि अकाली दल के नेता मजिंदर सिंह सिरसा और महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के करण जौहर द्वारा बनाई उस वीडियो की जांच कराने की मांग उठाई गई है जब यह वीडियो पहली बार सामने आई थी तब भी मंजिंदर सिंह सिरसा ने इसको लेके एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने इन सभी एक्टर्स को टैग करते हुए लिखा था वॉच नाउ द हाई एंड माइटी ऑफ बॉलीवुड प्राउडली फ्लॉन्ट देयर ड्रग्ड स्टेट रेज माई वॉइस अगेंस्ट ड्रग एब्यूज बाई these स्टार्स रिट्वीट इफ यू फील disgusted. अब एक बार फिर से मंजिंदर सिंह सिरसा ने इस वीडियो की जांच की मांग की है अब ये देखने वाली बात होगी कि इस जांच में क्या निकल कर आता है लेकिन अगर ये वीडियो वाकई में वैसी ही निकली जैसे कि मंजिंदर सिंह सिरसा का आरोप है तो आने वाले दिनों में न केवल करण जौहर बल्कि वीडियो में दिख रहे तमाम एक्टर्स के लिए मुसीबतें बढ़ सकती है बॉलीवुड खबरों की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नमस्कार